हेलो दादा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सर? बढ़िया दादा। एक बार अपना नाम बताओ पूरा। मेरा नाम अतुल माने है। ओके। और जो अपना एरिया है, जिस जगह पे अपन ने जो घोड़ा घोड़ी का फार्म बना हुआ है, इस एरिया का क्या नाम है? इस एरिया का नाम इंदापुर करके है। इंदापुर तहसील, जो पूना डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके। और बारामती के पास है। बारामती के पास। तो दादा, आपके इंदापुर में तो मेला भी भरता है शायद, है ना? हाँ, इंदापुर में मेला भरता है। अभी दो तीन साल से भरने लगा है शायद? नहीं नहीं, पुराना। हाँ, ये दो तीन साल से भर रहा है। अक्लूज का मेला यहाँ ठीक ठाक होता है हमारे। ओके। दादा, अभी अपने पास में कितने हैं घोड़ा घोड़ी की बात करें तो टोटल? मेरे पास अभी पांच जानवर है। पांच जानवर है। हाँ। तो कोई घोड़ा नहीं रख रखा दादा अभी? घोड़ा मेरे पास था परमवीर करके। हाँ। और एक शमशेर बच्चे थे। तो दादा, अभी अपन बात करें इस घोड़ी की, ये घोड़ी है या बच्ची है? ये बच्ची है। अभी बच्ची है, मिल्क टीथ बच्ची है। मिल्क टीथ में? मिल्क टीथ में बच्ची है। तो दादा, हाइट में तो बहुत ज्यादा लग रही है, क्या है इसकी हाइट अभी? हाइट इसकी है 66 प्लस। 66? हाँ, 66 प्लस ऑन स्टिक। मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, अभी जो है सो है। क्या उम्र में कितनी हो गई है अभी ये? ये मिल्क टीथ है, अभी 29 मंथ्स के अराउंड होगी आगे पीछे। 29 मंथ में 66 इंच? हाँ, प्लस है। यानी कि मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे जो 9-9, 10-10 साल की घोड़िया रहती है वो भी 66 इंच नहीं रहती हाइट में। अभी पता नहीं अभी क्या। तो कभी आपने यानी कि इस चीज पर गौर नहीं दिया क्या? अभी सुना तो है कि घोड़िया इतनी ज्यादा हाइट नहीं करती, 63-4 भी काफी होती है। मारवाड़ी घोड़े में 63-4 बहुत अच्छी हाइट माना जाता है। बिल्कुल। पर अभी इस ये जो है, इसका सायर ग्रेट गैम्बलर है, वो भी बड़ा घोड़ा है। और इसकी डैम जो है वो सिंचनी बाय राज है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आया। पंचकल्याण भी थी, बाल बहुरी भी साफ थी। तो इसकी माँ है दादा अभी? बहुत अच्छी माँ है, वो रौनक शुक्ला के पास अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में। हाँ। बाकी घोड़ी में क्या है कि है ना, ऐसा नहीं है कि हाइट के अलावा लेंथ नहीं हो, लेंथ भी बहुत है। हाँ। और जो सूम भी है ना, वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घोड़े की तरह है, यानी कि छह नंबर के सूम है उसके। छह नंबर के है ना। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत खतरनाक है। अभी तो ये दो दांत जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक हाइट करेगी। मैक्सिमम हाइट मिल्क टीथ में करते हैं जानवर, फिर उसके बाद दो दांत में थोड़ा कम, और उसके बाद 5 साल 6 साल 7 साल कुल कोई बोलता है, पर पता नहीं। तो दादा, इस हिसाब से तो ये 1-2 इंच और जानी चाहिए मेरे को लगता है। अब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि अभी मिल्क टीथ में है, तो उस हिसाब से अगर हाइट बढ़ी तो 1 इंच भी अगर माने तो 67 तो फिर जाएगी जाएगी। 1 इंच तो कम से कम होगी, 1-2 इंच तो होनी चाहिए कम से कम। 1-2 इंच है ना। तो दादा, इसको कभी शो में नहीं लगाया कि इतनी बढ़िया क्वालिटी की बच्ची आपके पास में है? ये इसको शो में मैंने लगाया था, 300 जीती है ये। 300 जीती है? 300 जीती है। तो दादा, अभी और भी शो होने वाले हैं और इतनी बेस्ट बच्ची आपने तैयार करी है, तो आने वाले शो में भी लगाने का विचार है क्या? हाँ, देखते हैं ना, अभी कोरोना की वजह से शो का अभी कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, आगे देखते हैं, अगर कुछ बैठा तो लगा देंगे। तो दादा, पुणे का शो होगा क्या? बहुत सारे लोग पूछते हैं। पूना का शो अभी लग रहा है, IHO के टीम अगर हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि अगर परमिशन दी तो हम लोग कर लेंगे। कर लेंगे। बाकी बच्ची का क्या नाम रख रखा दादा? इसका नाम है सोनाई। 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 और सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है और खाने पीने में क्या दे रहे हो अभी फीड में? यानी कि ये इसको तो सुबह 7 बजे हम लोग कुट्टी देते। कुट्टी? हाँ। ओके। कुट्टी देते, उसके साथ फिर मैं मेरा खुद का एक फीड मैंने बनाया है, सोनाई हॉर्स फीड करके। सोनाई हॉर्स फीड? हाँ। मेरी कैटल फीड की फैक्ट्री है, जहाँ पे रोज 1000 टन काउ फीड बनता है, बाकी फीड बनता है। ओके। तो मैंने जब घोड़े लिए थे तो मैंने मेरे डॉक्टरों को बोला था कि मेरे लिए भी मतलब हॉर्स फीड बना के दो, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बना के दिया था। तो फिर धीरे धीरे वो मेरे दोस्त भी बोले कि हमें दे दो, फिर ये मेक टू ऑर्डर बनता है और मैं बना मतलब सेल यानी कि दोस्तों वगैरह को और जो डिमांड करता होगा क्लोज फ्रेंड को ही देता हूं। अच्छा, यानी कि पहले से तैयार नहीं रहती है, ऑर्डर देने पे तैयार? ऑर्डर देने के बाद ही बना के ही देते। अभी बच्ची यही फीड, वही फीड खा रही है? यही फीड खाती है। मेरा परमवीर भी यही खाता था और सब मेरे घोड़े फीड यही खाते, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेट कर रखा है। यानी कि अभी भी अगर कोई रिंग हो तो आप कल भी रिंग के लिए ले जा सकते हैं। मेरे यहाँ घोड़ों में प्रदीप भाई एक चीज है कि मैं घोड़ों को एक्सरसाइज कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब घोड़े को, एक तो घोड़ा कम से कम 2-3 घंटे बाहर रहता है और उसको आधा घंटा उसको एक्सरसाइज मिलती ही मिलती है। सुबह या शाम में देते हैं? शाम को देते हैं। सुबह एक तो देते हैं 10 से पहले और उसके बाद 5 बजे के बाद में देते हैं।
तो दादा कितना टाइम हो गया अपन को घोड़े वाली लाइन में और कैसे शौक लगा घोड़ों? मैं वैसे दो तीन साल भी नहीं हुए मुझे इस लाइन में। 2-3 साल नहीं हुए? हाँ, 2018 में मैंने लिया था पहला, और उसके बाद ही मुझे थोड़ा शौक हुआ मारवाड़ी घोड़ों का। मारवाड़ी का? तो दादा अभी किसी से कवर थोड़ी करवाया होगा? नहीं नहीं, ये तो अभी दो दांत के बाद सोचेंगे। दो दांत के बाद है ना? हाँ। बाकी नाम क्या बताया दादा इसका? सोनाई। सोनाई, ओके, थैंक यू दादा।